अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी YouTube फैमिली में आप तमाम को नई वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों, मैं तमाम आने वाले नए आने वाले जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, दोस्त हैं, तमाम को मैं वेलकम करता हूँ मेरी YouTube फैमिली में। दोस्तों, आज नए एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी वीडियो का आगाज़ भी हो चुका है। मैं आप तमाम के साथ अपने तमाम जो मोमेंट्स हैं शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक बात करना चाहता हूं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं, अल्लाह पाक के शुक्र के बाद आप तमाम का मशकूर हूं जो मुझे मेरी पहली वीडियो पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई और मेरा साथ दिया। मैं आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब की वजह से ही मोटिवेटेड रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे। तो आज चलें, आज के आपके साथ जो मोमेंट्स हैं वो शेयर करते हैं। ये होते हैं पॉट्स, ये डैना हम भर के लाए थे। ये खाली गमले होते हैं जो हम उतारने के लिए आए। ये लड़के लगे हुए हैं उतारने में, मैं आपको दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये सारा जितना भी ढेर है ये कचरे का कोई ढेर नहीं है, ये खाली पॉट्स हैं। तो ये होती है मेहनतें। ये जो पाकिस्तान से आते हैं हमारे भाई, वो यही काम करते हैं और यहाँ से रियाल कमा के अपने घर वालों की खुशियों को पूरा करते हैं। ये है मल्टी वन, जिससे ये हम पौधे भी उठाते हैं अक्सर बड़े वाले। ये 500 लीटर 400 लीटर वाले पॉट्स हैं, ये इनको उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं। रिंगल, क्या हुआ तुम्हें? ये मतलब तुम पूरे डैने के इनको पोर्ट्स को संभाल के खड़े हुए हो? ओए होए होए, तो ये देखें, छोटा ट्रैक्टर है और पीछे इन्होंने कितनी ट्रालियां लगाई हैं। दो, ये कई बार मैंने देखा है, ये 10-10 ट्रालियां ऐसे लंबी पीछे ना लगा के घूम रहे होते हैं। मैं उन तमाम का मशकूर हूँ जो मेरा साथ देते हैं, जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें अपनी YouTube फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माशाल्लाह, लड़कों ने वैसे ख़त्म कर लिया है हमारा काम। चलो अब चलते हैं हम छोटे पौधों की तरफ। अच्छा कासिम, यहाँ से ये गेट बंद है मेरे ख्याल में, क्या उधर से बाहर निकलोगे ना? वहाँ से बाहर निकलो, वो गली है ना, वो गली उधर से लेके वो उधर पीछे जहाँ पौधे हम उठाते हैं वहीं जाना। समझ आया? आ गया। चल यला यला अभी भी। ये तरतीब है जहाँ से हम छोटे पौधे शरब्ज उठाते हैं। जल्दी पहुंच गया यार, पियो पियो पानी पियो, भूल गया तो पानी पीना ना। गुड गुड गुड, चैन चलती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। काउंट भी कर रहे हो या बस काउंट कर रहे हैं? नहीं, काउंट नहीं कर रहे। चलो चलो, कोई मसला नहीं, तुम लोग लगे रहो। इसको उतारना है, बाहर भी एक टीम है, वो उतारेंगे फिर हम इसको बाहर लेके दोबारा वापस लेके आएंगे। तो इस तरह ये निज़ाम चलता रहता है, हमारे ट्रेले इस तरह फुल होते हैं। एक टीम यहाँ से लोड करती है, दूसरी टीम बाहर उतारती है, और उसके बाद इस तरह हमारा एक ट्रेला फुल होता है। बहुत मेहनत का काम होता है। तो और यहाँ पे असूल है कि 100 इसमें यहाँ पे ना
20 की स्पीड से यानी कि 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए स्पीड, आपको बहुत स्लो स्लो चलाना पड़ता है। अच्छा दोस्तों, जहाँ पे हम पहले काम कर रहे थे छोटे पौधे, वहाँ से फिर अभी हमें स्टोर पे आना पड़ा। एक ट्रेला आया, तो ट्रेले में जो है ना फिनिक्स आए हैं, खजूर, तो वो खजूर उठाने के लिए हम आए, उतारने के लिए, सॉरी, खजूर उतारने के लिए आए। ये साजिद भाई हैं हमारे बस वाले। साजिद भाई कैसे हैं? माशाल्लाह, सबको सलाम इनकी तरफ से। यानी कि ये 11 पीस लेके आया। मैं और ये मरातब, हम आ गए ये खाने उठाने के लिए। स्पीडें लगी हुई हैं, तीन तीन जगह काम चल रहे हैं, तो फिर एडजस्ट करना पड़ता है, मसला ही नहीं है। अच्छा यार, हम खाना तो अंदर से लेके आ गए हैं, वो खड़ा बेचारा मरा था, उसका सारा जोर लग गया खाना उठाने पे, खाना ले आए हम। बाकी हाईएस का इंतजार है, हाईएस आ जाए तो फिर हम खाना उसमें रखते हैं और निकलते हैं। इसमें है क्या? फ्रूट है। हाँ फ्रूट है। कहाँ है? झूठ बोल रहे हो ना। किधर है? फी फी, वाह, ये रोटी है, पाकिस्तान की नहीं है, ये सऊदी अरब की। सही है, यानी खुबस। ये फ्रूट आप देख रहे हैं, कुएस कुएस, चलो माशाल्लाह। बंगालियों वाले चावल हैं, बंगालियों वाले चावल हैं। हाँ, ये आ गया था उस्ताद रहमान, बड़ा लेट करवाया हमें, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम पे। कैसे उस्ताद जी, पहुंच जाएंगे ना? जी जी इंशाल्लाह जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये डब्बे हमने बाकी सारे उठा लिए थे जो आपको दिया था, वो पीछे मरा तब थक गया बेचारा। तो अभी बस टाइम हमारे पास, हाँ बस मुश्किल नहीं, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। उस्ताद अपनी पूरी पूरी, क्या उस्ताद जी, उस्ताद अपनी पूरी जी, उस्ताद अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुँच गए, पहुँच गए, पहुँच गए, हाँ पहुँच गए। हाँ तो दोस्तों, फाइनली कुछ ही घंटों के बाद हमारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, और अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ मरातब वालों के रूम पे चाय पीने के लिए। वो एक ही रूम है जहाँ पे हम चाय एंजॉय करते हैं, खाना एंजॉय करते हैं, तो कुछ वक्त जो है हम लोग साथ बैठ के गप शप लगाते हैं। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मैं पहुंच गया हूं मरातब वालों के रूम पे, तो चाय एंजॉय करते हैं। दोस्तों, आज का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारा व्लॉग भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। जाते हुए सिर्फ एक बात करना चाहता हूं कि मायूस होना बुरी बात नहीं है, ना उम्मीद हो जाना बहुत बुरी बात है। इंसान मायूस तब होता है जब उसे अपने अल्लाह पाक की ज़ात पर, अल्लाह पाक की ताकतों पर यकीन नहीं रहता। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी चीज़ अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर नहीं होती, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसमें आपकी बेहतरी ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जाते हुए आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।